Xiaomi या Realme, इन दोनों ब्रांड में आपको किसका स्मार्टफोन सबसे ज्यादा अच्छा लगता है और आपको क्या लगता है ये जो महायुद्ध स्टार्ट हो चुका है दोनों ब्रांड के बीच यानी Xiaomi वर्सेस Realme, इन दोनों स्मार्टफोन ब्रांड से आपको कौन सा अच्छा लगता है। अभी Xiaomi की तरफ से अंडर 10,000 में Redmi Note 8 लॉन्च किया गया है कुछ दिन पहले, काफी अच्छा फोन है ये सही में। अभी Realme की तरफ से 20 नवंबर को लॉन्च होने वाला है और एक स्मार्टफोन अंडर 10,000 में जो है Realme 5S, और ये भी आएगा क्या ये Realme 5S Redmi Note 8 को कम्पीट कर पाएगा? तो चलिए, मेरे पास तो Realme 5S नहीं है, अब 20 नवंबर को ये लॉन्च होगा Realme X2 Pro के साथ और मैं खरीद लूंगा, उसके बाद आपके सामने साइड बाय साइड कंपैरिजन लेके आऊंगा। पर अभी फिलहाल मेरे पास स्पेक सीट है, अब स्पेक सीट Realme 5S का है और Redmi Note 8 मेरे पास है, तो दोनों में आपको कौन सा लेना चाहिए? साइड बाय साइड कंपैरिजन बिटवीन Realme 5S एंड Redmi Note 8। तो चलुन करबो ना देरी, शुरू करी तातारी। से 15 दिन हो चुका है Redmi Note 8 को यूज करना, मुझे काफी अच्छा लग रहा है और कहीं ना कहीं मैं इंप्रेस हो चुका हूं इस डिवाइस से, चाहे वो परफॉर्मेंस में हो या कैमरा में हो, चाहे वो बैटरी में हो या डिस्प्ले में हो, हर तरफ से ये फोन दावा रखता है सही में अच्छा चयन है। अभी Realme की तरफ से 20 नवंबर को Realme 5 का सक्सेसर Realme 5S भी लॉन्च होने वाला है और इसका डायरेक्ट कंपटीटर होगा Redmi Note 8। अभी Note 8 का जो बेस वेरिएंट आपको मिलता है 4GB 64GB, इसका प्राइस रखा गया है भारत में 10,000, और Realme की तरफ से जो Realme 5S आ रहा है इसका जो बेस वेरिएंट सुनने में आ रहा है 3GB 32GB वाला वेरिएंट, जिसका प्राइस स्टार्ट होगा 10,000 से यानी 9,999। तो प्राइस के मामले में, स्टोरेज के मामले में Redmi Note 8 भाई आगे जाता है। अभी चलिए डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी, Redmi Note 8 में आपको काफी अच्छा डिजाइन मिलता है, साथ में बिल्ड क्वालिटी मिलता है, पीछे में आपको ग्रेडियंट कलर्स मिलता है और ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ आता है, पीछे में आपको ग्लास मिल जाएगा और Corning Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा, फिंगरप्रिंट स्कैनर और 4 कैमरास, साइड में आपको क्रोम फिनिशिंग मिल जाएगा ये देखिए, और इसमें पॉलीकार्बोनेट का इस्तेमाल किया गया है और ये स्प्लैश प्रूफ है। वही अगर देखा जाए Realme 5S में, यहाँ पे फिर से आपको Realme 5 के तरह ही पॉलीकार्बोनेट देखने को मिल जाएगा, यानी प्लास्टिक देखने को मिल जाएगा, वो भी स्प्लैश प्रूफ होगा, पीछे में फिंगरप्रिंट सेंसर होगा और 4 कैमरास होगा। सिर्फ Realme से मेरा एक ही छोटे सा एक क्वेश्चन है, अगर आप देखो Xiaomi अगर आपको प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे ग्लास डिजाइन, वो भी अंडर 10,000 में, तो आप क्यों नहीं दे रहे हो? यहाँ पे आगे जाता है डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के मामले में Redmi Note 8, आपका क्या ख्याल है कमेंट्स जरूर कीजिएगा। अब अगर यहाँ पे बात आता है डिस्प्ले की, तो ये देखिए आपका जो Redmi Note 8 है इसमें आपको 6.3 इंचेस का एक डिस्प्ले मिल जाता है और ये फुल HD प्लस डिस्प्ले है, ऊपर में आपको वाटर ड्रॉप नॉच मिलता है और IPS डिस्प्ले है ये, यहाँ पे आपको Corning Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन मिलता है तो काफी अच्छा लगा, नीचे में बेजल्स भी आपको काफी कम देखने को मिलेगा। वही अगर देखा जाए Realme 5S तो यहाँ पे आपको 6.51 इंचेस का एक HD प्लस डिस्प्ले मिलेगा, इससे पहले सुनने में यह रहा था फुल HD प्लस डिस्प्ले होगा पर ऐसा नहीं हुआ, काफी ज्यादा डिप्रेस में आ चुका हूं और कहीं ना कहीं मैं भावुक भी हो चुका हूं। अब फिर से HD प्लस डिस्प्ले अंडर 10,000 में ये सही नहीं हो पाया, अगर आप डिस्प्ले का साइज थोड़ा सा कम कर देते और फुल HD प्लस देते तो वो काफी बेहतर रहता, और वहां पे भी आपको Corning Gorilla Glass 3 प्लस का प्रोटेक्शन मिलता है और ऊपर में वाटर ड्रॉप नॉच मिलता है, IPS LCD वो भी है, बेजल्स कम है, तो डिस्प्ले के मामले में भी मैं यहां पे आगे रखूंगा Redmi Note 8 को। चलिए बात करते हैं अब स्टोरेज की, अब दोनों ही फोन में आपको LPDDR4X RAM मिल जाएगा, Redmi Note 8 का जो बेस वेरिएंट है वो आपको मिलेगा 4GB 64GB RAM एंड ROM के साथ, और एक वेरिएंट आपको मिलता है जो 6GB के साथ आता है।
वहीं Realme 5S में आपको जो बेस वेरिएंट मिलेगा वो देखने में सुनने में आ रहा है, वहां पे आपको 3GB और 32GB वाला वेरिएंट मिलेगा। तो यहां पे भी आगे जाता है Redmi Note 8, क्योंकि यहां पे आपको बेस वेरिएंट में ही अंडर 10,000 में 4GB मिल रहा है, 64GB मिल रहा है। बल्कि दोनों ही फोन में आपको डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट दिया गया है। दोनों ही फोन में दो सिम और एक माइक्रो एसडी कार्ड उपयोग कर पाओगे। दोनों ही फोन में नेटिव वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन और यहां पे डुअल 4G पॉलिटी का सपोर्ट भी दिया गया है। अगर मैं यहां पे बात करूं और एक चीज के बारे में, जो है परफॉर्मेंस दोनों ही फोन में आपको सेम टू सेम मिल जाएगा, यानी अंडर 10,000 में हर एक स्मार्टफोन जो प्रोसेसर आपको प्रोवाइड कर रहा है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 वही आपको मिल जाएगा। 11 नैनोमीटर फिनफेट टेक्नोलॉजी पे आधारित है और एड्रीनो 610 आपको मिल जाएगा। तो Redmi Note 8 मैं यूज कर रहा हूं, डे टू डे यूसेज में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है और गेमिंग वगैरह भी आप प्राइस के हिसाब से काफी अच्छे से कर पाओगे। तो परफॉर्मेंस के मामले में दोनों ही सेम है। अभी कैमरास, Redmi Note 8 में आपको पीछे में 4 कैमरास मिलता है। जो प्राइमरी कैमरा है वो है आपका 48 मेगापिक्सल सैमसंग GM1 सेंसर यहां पे उपयोग किया गया है, और एक जो सेंसर मिलता है वो 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ। आज आपको मिलता है 2 मेगापिक्सल का एक सुपर मैक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर F1.8 अपर्चर के साथ यहाँ पे आपको मिलेगा, और सामने में आपको 13 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूटर मिल जाएगा इन डिस्प्ले फ्लैश के साथ। वही Realme 5S में भी आपको 48 मेगापिक्सल कैमरा मिल जाएगा पीछे में सैमसंग GM1 सेंसर के साथ, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का सुपर मैक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट मोड के लिए आपको डेप्थ सेंसर मिल जाएगा। F1.8 अपर्चर उसमें भी है, और सामने में भी आपको 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा F2.2 अपर्चर के साथ इन डिस्प्ले फ्लैश। 4K वीडियो रिकॉर्डिंग, IIS, हर एक चीज आपको मिल जाएगा, नाइट मोड और यहाँ पे नाइटस्केप, सुपर स्लो मोशन और इस तरह का सब फीचर्स आपको मिल जाएगा दोनों ही फोन में। अब Redmi Note 8 का जो कैमरा है वो तो मुझे काफी पसंद आया, तो जब Realme 5S में खरीद लूंगा साइड बाई साइड इन दोनों का कैमरा कंपेरिजन भी करके आपको दे दूंगा। इसके बाद आता है बैटरी, तो दोनों ही फोन में आपको बैटरी में डिफरेंस मिलता है। Realme 5S में दिया गया है 5000 mAh बैटरी और Redmi Note 8 में दिया गया है 4000 mAh बैटरी। आगे है Realme 5S क्योंकि HD प्लस डिस्प्ले है और जो प्रोसेसर वो भी कम है, यानी भारी भक्कम तो नहीं है, तो आपको यहाँ पे बैटरी बैकअप काफी अच्छा मिल जाएगा, और ये जो 4000 mAh के हिसाब से काम कर रहा है ये भी काफी अच्छा है, 1.5 से 2 दिन का बैटरी बैकअप आपको दे देता है। USB Type-C मिलता है Redmi Note 8 में, और Realme 5S में सुनने में यह आ रहा है माइक्रो USB पोर्ट ही आएगा, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं आएगा, पर यहाँ पे आपको 18 वाट का एक फास्ट चार्जर मिल जाता है इन द बॉक्स, यानी ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। दोनों में ही सब सेंसर्स आपको मिल जाएगा, पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिलेगा आपको Redmi Note 8 में, आयर ब्लास्टर मिलेगा, नोटिफिकेशन LED लाइट मिलेगा, ये काफी अच्छा है। मेरे मानो तो मुझे तो लगता है Redmi Note 8 स्पेक्स के हिसाब से और मैं यूज कर रहा हूं ये आगे है, बल्कि अभी मैं कोई भी यहां पे ओपिनियन देना नहीं चाहता हूं, क्योंकि Realme 5S में खरीद लूंगा, दोनों को यूज करूंगा, उसके बाद एक डेडिकेटेड वीडियो अनबायस्ड ओपिनियन के साथ लेके आ जाऊंगा। तब तक के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया है।